हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल। देखिए यहाँ पे टीएन दिया हुआ है सर। देखिए आपको मैं सिंपली इसमें बताऊंगा कि कैसे जनरल टर्म से कॉमन न्यूमरल्स निकालेंगे 2 सेकंड्स में। हाँ, 2 सेकंड्स में, ठीक है। यहाँ टीएन दिया हुआ है, टी1 क्या हो जाएगा 7 - 4 बराबर क्या हो जाएगा 3, टी2 क्या हो जाएगा 7 - 4 - 2 - 1, डी क्या हो जाएगा T2 - T1 - 1 - 3 और -4, कितना लगा आपको? 30 सेकंड लग गया। अगर आप इसको 1 सेकंड में कर ले तो, अब बहुत लोग सोच रहे होंगे 1 सेकंड में कैसे करें, तो यह बताता हूं। अगर जनरल टर्म ए प्लस बी एन के फॉर्म में दिया रहे तो बी जो होता है ना वही होता है कॉमन डिफरेंस। यहाँ जनरल टर्म क्या है 7 - 4n, तो बी क्या होगा -4। अब देखिए जरा, अगर सम दिया रहे तो उसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अब H1 निकालेंगे 3 + 5 = 8, H2 निकालेंगे 3 × 2 = 5 × 2 = 12 + 10 = 22, H2 - S1 क्या हो जाता है T1, और H2 - S1 होगा कितना 22, T2 होता है H2 - S1। कैसे होता है? क्योंकि H2 बराबर होता है T2 + T1, S1 बराबर होता है T1, तो इसमें से इसको माइनस की तो T2 भी तो बचा, और H2 - S1 क्या हो जाएगा 22 - 8 = 14, तो T2 हो गया 14, T1 हो गया 8, तो D कितना निकलेगा T2 - T1 = 6। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक ये है कि अगर जनरल टर्म दिया रहे an² + bn, तो 2a जो होगा ना वही होगा कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे 3n² + 5n, तो इसमें a क्या है 3, 2a क्या हो जाएगा 6, तो d कितना हो जाएगा 2a = 6, 6 ही निकला ना। तो बहुत ही सिंपल सा है, अगर a + bn दिया रहे तो b होगा d, an² + bn दिया रहे तो 2a होगा d, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को फैला दीजिएगा। आगे आपको स्ट्रेट लाइन पे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा। थैंक यू।